एक सब्सक्राइबर ना माँ ये कह रही वे वहां से योगी हिमाचल से कि आपको हमारे यहाँ के सेब इतने अच्छे लगे मीठे लगे, आपने इतनी बड़ाई की उनकी, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक योगेश, योगेश योगेश रहता भैया है। लाए थे ना वहां से, तो चैनल देखते होंगे हमारा। और जब दो तीन जने एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे का काम जो है चुटकियों में हो जाता है। ये देखिए फटाफट से एक गठड़ी यहाँ पे कट रही है और एक उधर कट रही है, दोनों भाइयों ने इतनी इतनी काटी है अभी तक। और वो आराम कर रहा है, देखिए जुगाली कर रहा है, जितना इसने वहाँ चारा खाया ना ये देखो उसे पचा रहा, अभी जाग निकाल रहा क्या मुंह में से हैं। देख तेरी वीडियो बननी बढ़िया तरह सोनी डाल करिए पुरुष। घर पहुंच चुके हैं और चारा उतार दिया है बुग्गी में से, एक गठड़ी हमने यहाँ पर डाल दिया है और कुछ ये हरा चारा माँ लेकर आई थी आसपास से ही, पास में ही खेत हैं, और 2 गठड़ी वहाँ पर खड़ी कर दी है। अब हम इन्हें जो है 2 दिन तक काट सकते हैं और दोपहर के लंच की तैयारी। और ये भी जो है वेटिंग में अभी बैठे जो हैं, और प्यास लग गई है, खेत में काम करने वालों को प्यास लगती ज़्यादा है। और देखिए इधर ये भी हरा चारा लेकर आ गए हैं, माँ ने पास के ही खेत में काट कर डाल रखा था ये, और लेकर ये आ गए हैं अभी। लो यहाँ बैठ कर पानी पी लो, पानी तैयार है, मैंने अपने लिए मंगाया था, मैं चलो आप पी लो कोई बात नहीं और मंगा लेंगे। और अभी पसीना सुखाने के बाद में थोड़ा सा धूप बहुत अच्छी खासी निकल चुकी है, इसे काटेंगे अभी, काट कर डाल देंगे और जब इनके लंच की तैयारी करके छोड़ देंगे, जब ये खड़े हो जाएंगे ना तो फिर इन्हें चारा डाल के सन्नी कर देंगे। सारे के सारे बैठे हैं आराम से, ये देखिए। और बच्चे बोल रहे थे घर आते ही, मम्मी आप आ गए, पापा जी आप आ गए, हाँ भाई आ गए हम। और अभी नहाने की तैयारी में है सारे के सारे बच्चे। नंदनी किसका फोन है ये, किसका है? अच्छा जी पापा का, पापा का है? बात कर लो और कह दो सब ठीक ठाक हैं जी। ये देखो जी, हाँ सभी ठीक प्रकार से हैं, कह दो करियो बात। हाँ यानी मिंद्रा दूसरा नंबर डायल कर लो, दूसरा नंबर मिलाओ, मुंह देखो कैसे कर रही। हेलो हाँ जी कैसे हैं आप, ठीक हो? टॉर्च जला के बात कर रहे हैं हम तो फोन की, बंद कर दो टॉर्च बाबू, टॉर्च बंद करवा लो पापा पे अपने। हाँ हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी सुबह के जो है 11 बजने वाले हैं और अभी यहाँ पर हमारे जो पेट सेक्शन का काम है वो निपट चुका है प्रॉपर तरीके से, अब 2 बजे से शुरू हो जाएगा। फिर जब उनका लंच का टाइम होगा, जब हमारे पेट सेक्शन का काम शुरू होगा, तो जी अभी नहाई नहाई हो चुकी है और नहाने के बाद में कपड़ों की भी धुलाई हो चुकी है, कपड़े सुखा लिए मशीन में। हाथ से कपड़े जब कभी कभी धुलते हैं ना तो बड़ी मशक्क़त का काम दिखता है, और लाइट जो है 2 दिन से धोखा दे देती है बीच में ही। तो चलिए इतना भी लाइट का हमारे ऊपर एहसान है कि वो हमारे कपड़े सुखवा दे, इतना बहुत है, क्योंकि मौसम जो है कभी धूप वाला कभी छाँव वाला होता है, और बच्चों के कपड़े सूखने होते हैं बहुत ज़रूरी, और खासकर नंदिनी की, नंदिनी को जो है बहुत सारी कच्ची और पजामियाँ चाहिए होती है। तो जी कपड़े सुखा कर मैं ले आई हूँ ऊपर, दोनों बाल्टी यहाँ पर रखी हुई हैं, अभी लेकर चलते हैं। और बच्चे आरुषि स्कूल में गई थी आज, तो वो वापस आ चुकी है, आरुषि वहीं पर है, देखते हैं वो कितनी देर तक रुकेगा, लेकिन 11 तो बज गए हैं, 2 घंटे उसे करीब हो गए हैं वहाँ पर रुके हुए। और नीचे के लगभग हमारे सारे काम निपट चुके हैं, अभी लंच बनाएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है सब ने थोड़ा सा हैवी सा बनाया था मैंने, तो कर लिया था पूड़ी और बनाई थी मैंने छोले सूखे, छोले मसाला, तो जी ये सब बनाए थे। और अभी भी हमारे पूजा घर में जो है घंटी बज रही है, मुझे पता है आरुषि बजा रही होगी, क्योंकि बच्चों को हम नहीं रोक सकते पूजा घर में जाने से, वो किसी भी टाइम घंटी बजा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहाने के बाद में भी गर्मी इतनी ज़्यादा, पसीने छूटे जाते हैं, कपड़े सुखा कर आते हैं फटाफट से, फिर करते हैं अपने आगे का कार्रवाई काम की। तो जी कपड़े सुखा कर मैं नीचे आ गई हूँ, ये देखिए दोनों बाल्टी खाली हैं,
चलिए देखते हैं हमारे पतिदेव क्या कर रहे हैं इस टाइम। हाँ जी मैम, क्या कर रहे हैं? बस रोजाना का एक ही काम है, व्लॉग बन गया, अब एडिट करके उन्हें अपने व्यूवर्स अपने दर्शकों तक पहुँचाना, यही काम होता है। फिर वही कर रहा हूँ, कर दूंगा थोड़ी देर में। आधा हो गया, आधा बच रहा। आधा हो गया, ठीक है। हाँ जी चलिए चलते हैं अम्मी नीचे, क्या बनाए खाएंगे। ओ आप तो आज वहाँ जाओगे भंडारे में। भंडारे में भंडारा है माड़ी जारवीर गोगा का, वहीं जाना आज मुझे, क्योंकि उन्होंने कई कई बार कह रखा है, इन्हें इनविटेशन दे रखा। अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं नंदनी और आरुषि क्या कर रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और माँ भी नहा रही है, अपने नेल्स काट रही है। ये नंदनी हाय बोल रही है सबको, ये देखिए। हाँ हेयर बैंड लगाओ, लगाओ लगाओ अपने सर पे हेयर बैंड, आप लगाओगे। और ये आरुषि, पिताजी कल से आप जा करोगे इसके साथ। हाँ मैं लेके जा करूँगा। हाँ वही रहियो। हाँ वही रहूँगा। कल से पिताजी इसके साथ जाएंगे और इसकी क्लास में बैठेंगे, ठीक है जी। जब तक ये बैठेगी तब तक पिताजी को भी इसके साथ पढ़ना होगा। और ये देखिए ये भी कुछ कह रही है। ना नहीं कहीं मिल जाना। हाँ नंदनी क्या कह रहे हैं आप? हेयर बैंड लाओ मुझे दे दो, हाथ में नहीं पहनने जाता बेटा, ये सिर पर लगाया जाएगा। पैर में नहीं पहनने जाता, यो लाओ मुझे दे दो, मुझे भी नहीं देने की और ना अपने आप लगाने की और ना मुझे दे देगी और ना इसे देने की। और उसकी याद नहीं आ रही हो? आ रही देखो। अच्छा जी हेडफोन भी लगाना आता है कानों पे। अच्छा जी किसका है ये? आपका। अच्छा देखो हेडफोन टूट जाएगा बेटा, ये तेरी मम्मी पढ़ाई कैसे करेगी फिर। यहाँ पर प्रीति माँ के नाखून काटते हुए, आज बुधवार है तो माँ अपने नाखून रिपेयर करवा रही है। देखो माँ पे अपने आप कटते नहीं, माँ के नाखून पके हुए से हो जा। मेरे को दबती नहीं, दबती नहीं माँ पे चिमटी नेल कटर। बस कट तो गए, बस कट गए इसके तो। हाथ के भी कट गए? हाथ के तो है नहीं, हाथ के तो बस जा अपने। ये सब पैर के ही हो गया मेरे, पैर के बड़े बड़े हो रहे हैं। कैसे हो रहे हो खुद? पापा को फोन कर दिया आरुष लाने को, कर दिया था याद आ रही क्या? हाँ कह दिया। क्या कहना था उन्हें? हाँ आरुष को लाना था। कहाँ से? वो चिंकी के स्कूल में है। चिंकी के स्कूल में है? हाँ। यहाँ ना हाथ लगाओ, देखो यहाँ चींटियों की लाइन चल रही है, ये देखो ये चल रही चींटियाँ, हट जाओ यहाँ से, चींटियों की लाइन चल रही है यहाँ दीवार पे, ये देखो चल रही ना, है ना चींटियाँ बहुत सारी। नहीं और ये कीड़ी है, कीड़ी चींटियों को तो बोलते हैं, है काटने वाली है ना, ये भूरी कीड़ी बोलते हैं ना, भूरी कीड़ी। हाँ ये देखो कितनी मोटी, ये छोटी है। हैं छोटी क्या कीड़ी? छोटी है ये। अभी जो है आर उसके पापा गए हैं उसे स्कूल से लेने के लिए, 12:30 बज गए हैं। तो मैं बोल रही थी आज पहले दिन में ही ज़्यादा कैडा ना खींचो, मैं कहा जल्दी से ले आइयो। छुट्टी जो है 1:30 बजे होती है और 2 बजे तक बच्चे घर आते हैं वापस, तो उसमें ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और वो खुद से कुछ खाता पीता भी नहीं है, मैंने इनसे बोला है कि आप बाइक पे जाइए और लेकर आ जाइए, वो भी खुश हो जाएगा और कल प्यार से चला जाएगा स्कूल में। तो अभी गए हैं गुड्डू के पापा उसे लेने के लिए और मैं वेट कर रही हूँ, देखती हूँ और उस कैसे करता है, उसका रिएक्शन घर आते कैसा होता है, तो मैं अभी वेट कर रही हूँ उसका। और लंच में देखते हैं अभी क्या बनाया प्रीति ने, वो लंच बना रही है। बाकी के सारे काम हम लोगों के आज जल्दी ही निपट गए थे, जैसे ही मैंने पशुओं के इधर का काम किया था फिर मैं दूसरे कामों में लग गई थी। पूरी क्लास में बैठा रहा और जाकर भी कह रहा था छुट्टी हो गई आप लेने आए मुझे, और बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा था, वहाँ से मन लग गया। हाँ फिर माड़ी पे प्रसाद भी ला खुआ के खाया। हाँ अर्नु कह रहा जल्दी चलो स्कूल का काम भी तो करना। अजी हाँ मैं माड़ी पे प्रसाद भी खाया, अर्नु कह रहा मुझे मम्मी आ गया मैं पढ़ गया। हाँ। चलो अब सबको
उतारो। हाँ और नमस्ते करो, चलो सबको उतर के। मुझे भी उतार दो तो। आओ आप भी आओ, आ जाओ मेरा बेटा। चलो नमस्ते करो सबको, चलो करो सबको नमस्ते। हाँ तुझे मार देंगे। नंदनी छोले। हाँ छोले खाओगी नंदनी, ये बचा कर लाया। पापा जी देखता। और उस कौन नहीं है भाई वहाँ स्कूल में? स्कूल में मैडम तो है। और कौन नहीं है? सुसु करवाने वाला कोई? पसंद है। चंपा आंटी नहीं? चंपा आंटी नहीं है वहाँ? अच्छा जी।